Good morning students, how are you all? In this video, we are going to learn our new unit in Marigold textbook for class 2. Now, let's start our new unit. Unit number 4, rain. Do you know what is the meaning of rain? Rain means barish. जैसे कि अभी बारिश की जो सीजन चल रही है, आपको बारिश में नहाना पसंद है? एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू वर्ड्स आल्सो. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट टू लर्न दिस पोयम. रेन. द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. The word all around means everywhere, har taraf, charon or. The rain is raining all around, that means barish ho rahi hai, har taraf, charon disao mein, all around. It falls on field and tree. Here the word field means khet. Aur yahan par kaha gaya hai ki barish kahan kahan par ho rahi hai. It falls on field, yani ki खेतों के ऊपर हो रही है. एंड ट्री. ट्री यानी कि पेड़ों के ऊपर भी हो रही है. द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. बारिश जो है सभी तरफ हो रही है, चारों दिशाओं में, और वो किस किस पर गिर रही है? फील्ड, खेतों पर, और ट्री यानी कि पेड़ों पर. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द शिप एट सी. और फिर कहाँ कहाँ गिर रही है बारिश? It rains on the umbrellas. Umbrellas means छतरी. आपके पास तो होगी ना छतरी, कलरफुल होती है. देखिए यहाँ पर है 1, 2, 3, there are 3 umbrellas. हम umbrellas कब यूज़ करते हैं? जब बारिश होती है बहुत तेज़, तो मम्मी हमको कहती है ना कि बाहर जाओ बारिश में, तो अपना umbrella साथ में लेकर जाओ. And on the ships at sea. Here the word ship means अ लार्ज साइड बोट. आपने बोट देखी है ना जो पानी में तैरती है, लेकिन उससे भी बड़ी जो बोट होती है उसे क्या कहते हैं? शिप कहते हैं. एट शी. शी यानी कि समुद्र. बारिश कहाँ कहाँ पर और गिरती है? अम्ब्रेला के ऊपर एंड ऑन द शिप यानी कि बड़ी बड़ी जो बोट होती है उसके ऊपर. एट शी, समुद्र, समुद्र के ऊपर जो बड़ी बड़ी बोट्स चलती है उसके ऊपर भी बारिश गिरती है. इस पोयम we learned that rain, बारिश जो होती है, बारिश की सीज़न, तो बारिश कैसे चारों तरफ है और चारों तरफ गिरती है, चारों दिशाओं में. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. वो खेतों पर गिरती है और फिर वो पेड़ों पर भी गिरती है. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर, वो अम्ब्रेलास के ऊपर भी गिरती है, और फिर समुद्र में जो बड़ी बोट तैरती है उसके ऊपर भी बारिश गिरती है. Now, once again, let's recite this poem. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. And this poem is written by Robert Louis Stevenson. Now, just tell me, what do we see in the sky? In rainy season, बारिश के मौसम में हम sky में और क्या-क्या देखते हैं? बताइए. ब्लैक क्लाउड्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है तो हम देखते हैं काले काले बादल छा जाते हैं. वी ऑल्सो सॉ रेनबो. जब बारिश बंद हो जाती है तो एकदम कलरफुल रेनबो, दैट मीन्स इंद्रधनुष निकलता है. स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स तूफान. कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि तूफान आ जाता है. लाइटनिंग, दैट मीन्स बिजली, जो एकदम से रोशनी कर देती है इतनी ज़्यादा जब बारिश होती है तब. नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स. फील्ड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड यूज फॉर फार्मिंग. फार्मिंग यानी कि खेती करने के लिए जो लैंड होता है उसे क्या कहते हैं? फील्ड. अम्ब्रेलास, अ पोर्टेबल सर्कुलर कॉनोपी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन. ऐसी जो छतरी होती है जो आपको रेन यानी कि बारिश से बचाती है. And then ships means large size boat. And how is the poem?